थी 5G कैमरा फ़ोन अंडर 10,000। आज के टाइम में आपको अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए जो 5G को सपोर्ट करता है, तो आज हम लेकर आ चुके हैं बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर वाला फ़ोन है पोको M6 Pro 5G। डिज़ाइन और बिल्ड पोको का हमेशा से यूनिक रहा है और इसकी फ्रेम्स प्लास्टिक की मिलेंगी आपको। ये फ़ोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ मिलेगी, आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की मिलेगी। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर की। और यहाँ पर डिस्प्ले 6.9 फुल HD डिस्प्ले मिलेगी जो IPS पैनल के साथ आती है। 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगी, 180 तक टम्प सैम्पलिंग रेट मिलेगी। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं इस फ़ोन के कैमरा की ओर। जो आते हैं 50 MP मेन कैमरा, 2 MP पोर्ट्रेट कैमरा और 8 MP की सेल्फी मिलेगी। इस फ़ोन में आपको कैमरा डिसेंट लेवल की मिलेगी। इस फ़ोन से आप फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं इस फ़ोन की प्रोसेसर की, जो होता है Qualcomm 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर। ये इस फ़ोन के अंततः स्कोर 4 लाख के आसपास आ जाते हैं। इस फ़ोन से आप डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हो। इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम लिस्ट के नंबर 2 फ़ोन की ओर, जो आता है Moto G 34 5G। बात करेंगे इसके डिज़ाइन से, जो एज़ यूजल वैसा ही रहेगा। बैक साइड में वैगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है जो आपके फ़ोन को इन हैंड फील प्रीमियम फील करवाएगा। ये फ़ोन 8 nm की थिकनेस के साथ और 83 ग्राम के वेट के साथ आता है। तो चलो बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले, जो आती है 6.5 HD डिस्प्ले प्लस LCD पैनल के साथ आती है। पैनल के साथ आता है 120 हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 580 तक नीट हाई पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, जो आता है 50 MP मेन कैमरा, 2 MP मैक्रो कैमरा, 16 MP की कैमरे सेल्फी आती है। और डे लाइट में आप अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं इस फ़ोन से। और इस फ़ोन में आप फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको डिसेंट लेवल की फ़ोटो क्लिक करके दे सकता है। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की। ये हमारी लिस्ट का परफॉर्मेंस डिवाइस रहेगा, ये स्पेशली गेमिंग के लिए डिवाइस है। इस फ़ोन में प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मिलता है जो 6 nm पर बेस है। इस फ़ोन में 4.5 लाख तक अंततः स्कोर मिल जाते हैं। ये स्पेशली गेमिंग के लिए अंडर 10,000 फ़ोन रहेगा। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, जो 5000 mAh की बैटरी आती है और 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की, जो 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपये में मिलेगा। तो चलो गाइस बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के बेस्ट कैमरा फ़ोन की ओर, जो बजट में आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी देगा। जिस फ़ोन का नाम है गैलेक्सी F14। इस फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, जो आती है 6.6 फुल HD डिस्प्ले, जो आती है 500 नीट तक ब्राइटनेस के साथ और 90 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ। ये इस फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं इस फ़ोन के कैमरे की ओर, जो आता है 50 MP मेन कैमरा, 2 MP डेप्थ कैमरा और 13 MP की सेल्फी। यह फ़ोन डे लाइट में अच्छी फ़ोटो निकाल के देता है। आप इस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये स्पेशली कैमरा लवर के लिए फ़ोन है। आप अंडर 10,000 ये बेस्ट कैमरा फ़ोन रहेगा। चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की, हो जाता है Exynos 1330 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये फ़ोन गेमिंग के लिए तो नहीं है, बट आपको गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए तो आप लिस्ट में दूसरे नंबर वाला फ़ोन ले सकते हैं, जिसका नाम है Moto G 34। अगर आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो आप ले सकते हैं इस फ़ोन को ले सकते हैं, जिसका नाम है Galaxy F14। तो चलो गाइस बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी, जो 6000 mAh की बैटरी आती है, बड़ी बैटरी आती है और 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं इस फ़ोन की प्राइस की ओर, जो आता है 4GB रैम प्लस 128GB 10,500 में। तो ये थे हमारी लिस्ट के टॉप 3 फ़ोन अंडर 10,000। तो चलो गाइस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।